हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो के बारे में, उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 13 सितंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे थर्सडे के दिन इंडिगो में क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं थर्सडे के दिन इंडिगो में -2% का जो है डाउनसाइड देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1911.60 पे। तो यहाँ पे क्या ऐसा ही डाउनसाइड जो आने वाले दिनों में देखने मिलने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट देखने मिलने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पे क्या हाई चांस है और भी जो है डाउनसाइड जाने के या फिर अपसाइड जाने के, इस पर भी थोड़ा सा जो है हम बात करेंगे। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन जो है मंडे के लिए आपका क्या बन रहा है और हमारा क्या ओपिनियन है मंडे का, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं अपना वनडे का चार्ट। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है, यहाँ पे वनडे का चार्ट जो है मुझे एक एवरेज सा वॉल्यूम यहाँ पे देखने मिल रहा है और यहाँ पे जो है RSI जो है थोड़ा सा जो है डाउनसाइड चले गया है, जो 66 के आसपास आ चुका है, जो यहाँ पे अपसाइड और डाउनसाइड के दोनों की एक जो है संभावना बना रहा है, मतलब इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे इवन तो आपको जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा हमेशा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हाई चांस होते हैं कि इंडिकेटर प्रोबेबली बहुत टाइम जो है रॉन्ग हो जाए और यहाँ पे कई सारे और भी फैक्टर्स होते हैं एक स्टॉक के मूवमेंट करने के। तो यहाँ पे आपको जो है वो कंसिडर भी आपको जो है करना चाहिए और तब भी ही जो है आपको ट्रेड लेनी चाहिए। बाकी यहाँ पे हम जो है आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ सीधे का सीधा जो है चार्ट एनालाइज लाते हैं जो हाई चांस बनाता है यहाँ पे जो है कभी जब भी न्यूट्रल एक मार्केट हो तो यहाँ पे ट्रेडिंग करने के बहुत ही अच्छे चांस बनाता है और यहाँ पे हाई चांस रहते हैं आप सभी के जो है प्रॉफिट होने के और यहाँ पे बहुत ही कम चांस होंगे ऐसे कि यहाँ पे जो आपका जो है कोई ट्रेड जो है वो बेकार जाए। तो यहाँ पे जो है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और यहाँ पे साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस लाते हैं और यहाँ पे उसका जो है एनालाइज करके आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट डे का और आने वाले दिनों का भी जो है हमारा क्या ओपिनियन है इस स्टॉक पे वो भी आपको बताते हैं, साथ ही साथ रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन तो हम बताते ही हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन में हमारे 1 आवर के चार्ट पे। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो ब्लू लाइन से हमने ऑलरेडी आप सभी के लिए जो है कुछ दिनों पहले ही जो है आप सभी के लिए ये स्टॉक इस स्टॉक का जो है हमने एक एनालाइज करके लाया था और यहाँ पे हमारा जो ओपिनियन था वो भी बताया था। तो यहाँ पे उसी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस का जो है ये मार्किंग है, तो यहाँ पे हमने कोई एडिशनल मार्किंग नहीं की है। एडिशनल मार्किंग मैं अभी आपके सामने करने वाला हूँ जो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप भी जो है अपने चार्ट पे जो है वो मार्क कर सकते हैं जब भी आप ट्रेड ले तब। तो यहाँ पे जो है मैंने अपसाइड के लिए जो है 2 रेजिस्टेंस जो है मार्क कर लिए हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक जो है आपको थोड़ा सा कॉशियस की बात मैं बता दूं 1 आवर के चार्ट पे जो मुझे देखने मिल रही है वो है यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे जो है डाउन साइड देखने मिला है इस सपोर्ट जोन, मतलब इस सपोर्ट जोन को टूटते हुए देखने मिला है हमें थर्सडे के दिन और यहाँ पे जो है एक सपोर्ट जो बनता है 1897 का उसके आसपास जो है यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है ये स्टॉक मंडे को। मोस्टली यहाँ पे हाई चांस है इस स्टॉक के अपसाइड जाने के, मेरा ओपिनियन है ये। यहाँ पे मैं आपको पहले ही कहता था मेरा क्या ओपिनियन है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1923 से लेके 1952 के बीच में जो है ये स्टॉक कल के दिन जो है वो, मतलब मंडे के दिन जो है वो क्लोज हो सकता है 1943 के, मतलब अगर मैं प्रिसाइज हूँ तो यहाँ पे 1943 के आसपास जो है आपको इस स्टॉक में जो क्लोजिंग देखने मिल सकती है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको दोनों साइड का जो बता दिया है कि आपको डाउन साइड अगर इस लाइन को यहाँ पे तोड़कर गया, मतलब 1897 को जो है तोड़कर गया, इस सपोर्ट को जो है तोड़कर गया, तो अगला सपोर्ट 1876 का आता है जो यहाँ पे मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है क्योंकि बीच में जो है बड़ा गैप है। अगर यहाँ पे इसको भी यहाँ पे क्रॉस करके चले गया तो एक बड़ा डाउन साइड देखने मिल सकता है 1834 या फिर 1841 तक जो है आपको इजीली 1840 तक जो है आपको इजीली ये डाउनसाइड देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हाई चांस मुझे लग रहा है कि अपसाइड के हैं, जो अपसाइड है वो मैंने आपको कह दिया 1
1922 से लेके 1952 के बीच में, और प्रिसाइज भी मैंने कह दिया 1941 के आसपास। तो यहाँ पे हाई चांस है इतने में जो है मंडे के दिन जो है क्लोज हो जाए ये स्टॉक, और पॉजिटिव रहे ये क्लोज स्टॉक ऐसा मुझे लग रहा है। मोस्टली यहाँ पे जो 0.5 से लेके 1.5% का जो अपसाइड मूवमेंट देखने आपको मिल सकता है, तो इस स्टॉक पे आपको नज़र बनानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट जो है दोनों सेट करके रखें। हमने हमेशा कहा कन्फर्मेशन कैंडल का हमेशा वेट करें, उसके बाद ही एक जो है ट्रेड ले, ताकि यहाँ पे जो है आपका जो भी ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो और यहाँ पे जो आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाए। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।